हाँ, तो पेजिंग जो अपना कॉन्सेप्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हमने कल भी पढ़ा था कि वो क्या करता है। पेजिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी पूरी फाइल को स्मॉल स्मॉल चंक्स में डिवाइड कर देता है और वो फिक्स साइज के चंक्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, पेजेस कहते हैं। जस्ट लाइक आप लोग क्या करो कि आपको सपोज जैसे आप लोग देखते होंगे कि आपको बिस्किट जैसे आप खरीदते हो, ठीक है, तो वो क्या होते हैं आपका इतना साइज में आपको मिलता है कि आप उसको इजिली होल्ड कर पाओ, खा पाओ, एक साथ पूरा ब्रिक नहीं आपको दे देते हैं, लेकिन बनता वो एक साथ ही होगा, ठीक है, लॉट में बनता होगा, लेकिन उसको क्या कर देते हैं, पार्टीशन कर देते हैं, देन उनको पैकेज करते हैं, छोटे छोटे पैकेट में बनाते हैं और फिर उनको सेंड करते हैं। तो आप ये समझ सकते हो कि आपकी जो पूरी फाइल है वो पूरा एक आपका सारा का सारा डेटा बल्क में एक पैकेट एक पूरे फुल फॉर्म में है वहां पर। लेकिन जब ऑपरेटिंग सिस्टम उसको स्टोर करता है या फिर उसको प्रोसेस करता है तो वो उसको पूरे बल्क में एक साथ उठा करके एक जगह से दूसरी जगह नहीं रखता है, वो क्या करता है उसके पार्टीशन कर देता है आपके पूरे डेटा के। आपके लिए तो वो एक कंप्लीट एक फाइल होती है लेकिन इंटरनली वो मल्टीपल पेजेस में डिवाइडेड होती है और हर एक पेज का साइज वहां पर फिक्स होता है, सेम होता है। अगर एक पेज आपका 5 MB का है तो दूसरा पेज भी 5 MB का होगा, उस फाइल के अंदर जितने भी पेजेस होंगे सब 5 5 MB के ही होंगे। कोई ऐसा नहीं होगा कि कोई 4 MB का है, कोई 6 का, कोई 7 का, कोई 8 का, कोई 10 का, नहीं, सेम पेजिंग के अंदर पेजेस सेम साइज के होते हैं। ओके, और जिस साइज के आपके पेजेस होते हैं उसी साइज के रैम के अंदर फ्रेम होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ही पेजेस को भी बनाता है और फ्रेम्स को भी बनाता है, तो वो फ्रेम को भी बिल्कुल पेज के साइज का ही रखता है। आपकी सारी फाइल के जो पेजेस होंगे वो सेम होंगे, सेम साइज के होंगे, और यहाँ पर मेन मेमोरी के अंदर जो वो एम्प्टी स्पेसेस बना के रखेगा, खाली बॉक्सेस बना के रखेगा इन द सेंस, उसको हम क्या कहेंगे, फ्रेम्स। और वो फ्रेम भी बिल्कुल पेज के एग्जैक्ट साइज के होंगे ताकि वो पेज जब लोड होने आए मेमोरी के अंदर तो एक फ्रेम के अंदर एक पेज आपका कंप्लीटली फुल हो जाए, ना तो मेमोरी का वेस्टेज हो, ना पेज के लिए कम पड़े जगह। तो इसके लिए फ्रेम को भी उसके इक्वल साइज का ही रखा जाता है, ठीक है। जैसे अगर 10 MB का डेटा आ रहा है तो 10 MB का ही स्पेस है वहां पर एक फ्रेम, तो वो 10 MB पूरा इस फ्रेम के अंदर फिल हो जाए। ऐसे ही वहां पर बहुत सारे फ्रेम होंगे और जो भी पेजेस आएंगे उन फ्रेम में लोड होते जाएंगे, राइट। ये तो हुआ कॉन्सेप्ट कि भाई पेजिंग किया और मेमोरी में फॉर प्रोसेसिंग डेटा आ रहा है। लेकिन लेट सपोज अब एक प्रोसेस चल रही है, ऐसे और भी प्रोसेसेस होंगी सिस्टम के अंदर, तो ये सपोज अपनी मेन मेमोरी यानी कि रैम है, यहाँ पर एक ही टाइम पर आपके बहुत सारे प्रोसेसेस रन हो रहे हैं। अब कुछ पेजेस एक प्रोसेस के होंगे, कुछ पेजेस आपकी दूसरी प्रोसेस के होंगे, कुछ पेजेस आपकी तीसरी प्रोसेस के होंगे, और हो सकता है वो अलग अलग जगह पे भी पड़े हों, एक साथ ना हो। जैसे कि सपोज ये वाला पेज और ये वाला पेज एक सेम प्रोसेस का है, ये पेज ये पेज ये पेज आपकी दूसरी प्रोसेस का है, तो वो आपस में ऐसे मिक्सअप भी हो सकते हैं। मिक्सअप का मतलब पहले एक प्रोसेस का पेज, फिर दूसरी का, फिर पहली का, फिर दूसरी का, इस तरीके से कंटिन्यूसली हो जरूरी नहीं है। अब अगर इस केस में सीपीयू जब एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है, सपोज P1 को ये एग्जीक्यूट कर रहा है और P1 के पेजेस आपके यहाँ मेमोरी में लेट सपोज किस किस फ्रेम में पड़े हैं, एक तो आपके फ्रेम नंबर 1 में फर्स्ट पेज पड़ा है P1 का, एक आपका ये फ्रेम नंबर सपोज 2 3 4 है, 4 के अंदर पड़ा है दूसरा पेज, और तीसरा पेज आपका फ्रेम नंबर 6 में है, यहाँ पर इसको स्पेस मिला था और इसने इनको यहाँ यहाँ पर जगह दे दी। अब जो प्रोसेस सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है एट अ टाइम, उसके पेजेस फ्रेम नंबर 1, फ्रेम नंबर 4 एंड फ्रेम नंबर 6 पे हैं। वो हमें दिख रहा है कि इन फ्रेम में उसका डेटा है, लेकिन इंटरनली सीपीयू को कैसे पता चलेगा कि मुझे कहाँ से डेटा लेके आना है एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। डेटा उठ के आएगा जब सीपीयू के पास एग्जीक्यूट होने के लिए, तभी तो वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी। तो सपोज सीपीयू को किसी टाइम पे प्रोसेस 1 का पेज नंबर 2 की रिक्वायरमेंट हुई, इसको क्या चाहिए, पेज नंबर 2, ठीक है। अब इसने डिमांड किया प्रोसेस 1 का पेज नंबर 2, तो ये क्या है, प्रोसेस 1 का पेज नंबर 2, दिस इज लॉजिकल एड्रेस,
ये हमने पेजिंग करी है, ये हमने पेज नंबर एलोकेट किए हैं, सो दिस इज लॉजिकल एड्रेसिंग। तो सीपीयू के पास क्या होता है, लॉजिकल एड्रेस होता है। और ये जो रैम पे पड़ा हुआ है फ्रेम नंबर 4, ये है इसका फिजिकल एड्रेस। दिस इज द फिजिकल एड्रेस ऑफ दैट पेज जो कि आपके सीपीयू को इस समय चाहिए। तो लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस तक कैसे पहुंचा जाए, दैट इज कॉल्ड अ प्रोसेस कॉल्ड मैपिंग। और इसको कौन एग्जीक्यूट करता है, आपका MMU यानी कि मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट इसको एग्जीक्यूट करती है। इतना समझ में आया कॉन्सेप्ट कि हमें क्या चाहिए, पेज नंबर 1 प्रोसेस 1 का पेज नंबर 2 विच इज अ लॉजिकल एड्रेस, और इसके इसको एक्सेस करने के लिए हमें इसके फिजिकल एड्रेस पे पहुंचना पड़ेगा। तो पता करना पड़ेगा कि फिजिकल एड्रेस क्या है। ओके, तो वो कैसे मैप होता है, अब ये सारा प्रोसेस आप समझना। सबसे पहले तो जब भी किसी भी प्रोसेस के पार्टीशन होते हैं पेज में, तो उसकी एक क्या बनती है, पेज टेबल बनती है, पेज मैप टेबल, पेज मैप टेबल। ठीक है, पेज मैप टेबल का मतलब कि कौन सा पेज किसी प्रोसेस का कौन सा पेज कौन से फ्रेम में रखा है, वो सारा रिकॉर्ड होता है एक टेबल के अंदर, जिसको कि ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। ठीक है, तो इसके अंदर आपका जब रिक्वेस्ट जाएगी सीपीयू की तरफ से, तो यहाँ पर सब कुछ गिवन होगा कि पेज 1 गया है भाई आपका फ्रेम 1 पर, ये देखो ये पेज नंबर है, फ्रेम नंबर है, तो सारा का सारा रिकॉर्ड यहाँ पर होगा। पेज 2 गया है आपका कहाँ पर, फ्रेम नंबर 4 पर। तो ये पूरा एड्रेसिंग कौन रखेगा, पेज मैप टेबल, ताकि जब भी जरूरत पड़े ये आपका इस तरीके से हो जाए। फिर ये 3, तो पेज 3 आपका कहाँ है, फ्रेम नंबर 6 पे। इसके अंदर सारा रिकॉर्ड है कि कौन सा पेज कौन से फ्रेम पर है। जब भी सीपीयू डिमांड करता है किसी पेज की, तो वो क्या डिमांड भेजता है कि कौन सा पेज नंबर चाहिए उसको, तो उसने पेज नंबर भेजा, पेज नंबर 2 चाहिए, यहाँ पर क्या वैल्यू जाएगी, 2। ऑफसेट का मतलब उसको कितने बिट्स चाहिए उसके, कितने नंबर, क्योंकि सपोज हो सकता है कि ये पेज जो मेरा है वो 10 MB का पेज है, यानी कि आप ये समझ लीजिए बाइट्स में ले लेते हैं, तो 10 bytes का पेज है, तो इसको सपोज इसकी इनिशियल 4 bytes चाहिए या पूरी 10 bytes चाहिए, तो वो ऑफसेट में आ जाएगा पूरा, कितनी बाइट रीड करनी है इस पेज की। ठीक है, तो पेज नंबर और कितना बाइट रीड करना है, तो वो ये पूरे डिमांड भेज देगा। इस डिमांड को मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट लेकर के जाएगा कि भाई पेज नंबर 2 कहाँ पर है, उसको देखेगा तो सही, सीधे मेन मेमोरी में जंप तो नहीं करेगा, ढूंढेगा तो नहीं एक वन बाय वन, कि वहां पर तो बहुत सारे फ्रेम है, तो सबसे पहले वह कहाँ जाएगा, पेज पेज मैप टेबल पे, देखेगा कि यूजर ने जो बोला है, सीपीयू ने जो बोला है पेज नंबर 2, इसकी डिमांड की है सीपीयू ने, तो ये पेज कहाँ पर है आपका, तो ये देखेगा कि ये पेज है आपका फ्रेम नंबर 4 पे। तो ये पहले एक डिमांड बनाएगा फिर वापस से कि फ्रेम नंबर 4 इज रिक्वायर्ड, एंड कितने बिट रिक्वायर्ड है वो यहाँ से कॉपी कर लेगा और यहाँ पर बता देगा कि 10 bytes रिक्वायर्ड है। तो अब ये जाएगा सीधे कहाँ पर, फ्रेम नंबर 4 पे, और फ्रेम नंबर 4 के ये 10 bytes रीड करके सीधे किसको पहुंचा देगा, फिर सीपीयू को पहुंचा देगा, और सीपीयू अपना काम कर लेगा। तो दिस इज कॉल्ड मैपिंग। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? इसमें कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट को? ओके, तो ये तो थी अपनी मैपिंग। ओके, मैपिंग किसकी, लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस। गोल क्या है अपना यहाँ पर, लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस पे पहुंचना, करेक्ट। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग सेगमेंटेशन, ये जो सारी थ्योरी है ये इसी से रिलेटेड है, यहाँ पर जो चीजें मैंने बताई हैं वही सारी चीजें हैं। अब नेक्स्ट जो क्राइटेरिया ऑपरेटिंग सिस्टम लेता है पार्टीशन का फाइल्स को, दैट इज सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन की रिक्वायरमेंट क्या हुई है पहले तो ये समझ लेते हैं। जब पेजिंग से अपना काम अच्छा खासा चल रहा था,
तो ये सेगमेंटेशन की रिक्वायरमेंट क्या हुई? सेगमेंटेशन भी आपकी फाइल को पार्टीशन करने का ही एक तरीका है, हम ये कह सकते हैं उसी का एक अल्टरनेट है पेजिंग का। लेकिन अल्टरनेट तब आता है जब आपको पहले वाले ऑप्शन में कुछ प्रॉब्लम हो, राइट? नहीं तो उसका अल्टरनेट आएगा ही क्यों। तो सेगमेंटेशन आया बिकॉज पेजिंग में क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि आपके जो वहां पर पेजेस थे वो बिल्कुल सेम साइज के थे, फिक्स साइज के थे, फ्रेम आपके फिक्स साइज के थे। तो उस केस में क्या हो रहा था कि सपोज आपका एक आपने प्रोग्राम बनाया, ठीक है, अब ये एक सिंगल प्रोग्राम है आपका, अब इसमें आपने एक सम का फंक्शन लिखा है, एक मल्टीप्लाई का फंक्शन लिखा है, एक आपने इसमें कुछ रिकर्जन का डाल दिया तो वो लेंथी कोड हो गया आपका, अलग अलग आपने इसमें फंक्शन बना के रखे हैं। लेट्स सपोज कोई इसमें किसी में जस्ट फ्यू इंस्ट्रक्शन है और किसी में बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है, राइट? मतलब अलग अलग पार्ट आपने अपने प्रोग्राम के किए हैं, तो सम के लिए तो जस्ट दो नंबर को सम कर रहे, लेकिन रिकर्जन वाला फंक्शन आपने जो बनाया उसके अंदर तो थोड़ा कोड ज्यादा होगा, यू नो। तो उस केस में क्या हो रहा है, आपके जो फाइल है उसके खुद के इवन पार्टीशन नहीं है। लेकिन अगर इस पूरी फाइल को हम क्या करें, प्रोसेस मान के एग्जीक्यूट करें, तो पेजिंग क्या करेगा? पेजिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको कोई मतलब नहीं कि आपके प्रोसेस के अंदर क्या लिखा है और क्या नहीं। वो क्या करेगा, जस्ट आपकी पूरी फाइल के बराबर पार्टीशन कर देगा, ठीक है, बिल्कुल इक्वल पार्टीशन कर देगा। उसको नहीं मतलब है कि आपके प्रोग्राम के अंदर सेगमेंट, मतलब आप जो पार्टीशन है वो छोटे बड़े हैं या क्या रिक्वायरमेंट है उनकी, करेक्ट? तो इस केस में ये क्या करेगा, सपोज आपका पेजिंग के कॉन्सेप्ट ने क्या किया, ये जो आपका ऐड का फंक्शन था इसको एक पेज में आ गया, ये तो पूरा आपका, ये जो मल्टीप्लाई का फंक्शन था ये भी आपका एक पेज में आ गया, ओके, छोटा फंक्शन था। लेकिन आपका ये जो रिकर्जन वाला था इसने इसको क्या कर दिया, टू पेजेस में डिवाइड कर दिया, बिकॉज ये लेंथी कोड था। ऐसे ही आपने डिवाइड का बनाया तो डिवाइड का भी वन एंड हाफ में आया, सपोज एक में फिट नहीं आया तो वन एंड हाफ, मतलब बनाएगा तो ये पूरा पेज ही लेकिन हाफ फिल्ड होगा ये पेज, ठीक है, बाकी का तो एम्प्टी रहेगा। तो इसने इस तरीके से आपकी पूरी फाइल को डिवाइड कर दिया इनटू 3+2, 4+2, 6 पेजेस में। 6 पेजेस में से यहाँ पर ऐड का फंक्शन आ गया इस कोड के अंदर, जो उसकी फर्स्ट 100 bytes है, सपोज यहाँ पर ऐड का फंक्शन आ गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई का आ गया। अब इन दोनों फंक्शंस में, इन दोनों पेजेस में आपका ये जो रिकर्जन वाला है ये दोनों है, अलग अलग पेजेस में आ गए कोड, और ये आपका जो डिवीजन वाला है ये भी आपका क्या है, अलग अलग पेजेस में आ गए। होगा क्या, अब जब इस फाइल को, ये पार्टीशन फाइल थ्रू पेजिंग, ये पेजिंग के थ्रू पार्टीशन हुए हैं यहाँ पर, तो अब क्या होगा, जब ये मेमोरी में जाएंगे लोडिंग के, सपोज ये मेमोरी है मेन मेमोरी रैम, इसमें कुछ फ्रेम्स खाली हैं, कुछ फ्रेम्स भरे हुए हैं, इस तरीके से पूरा अरेंजमेंट है। तो आपका जो ये पेज नंबर 1 था एडिशन वाला, इसको तो मिल गया कौन सा वाला पेज, इसको मिल गया लेट्स सपोज ये वाला फ्रेम, फर्स्ट फ्रेम मिल गया। मल्टीप्लाई वाले को मिल गया ये वाला फ्रेम, ठीक है। अब इसके बाद ये जो आपका रिकर्जन का फर्स्ट पेज था इसको तो ये सेकंड फ्रेम मिल गया, और ये जो पेज है इसको बिल्कुल लास्ट वाला फ्रेम मिला है, ये वाला फ्रेम मिला, और इनको भी कहीं बीच बीच में फ्रेम मिल गए सपोज, ठीक है, सारे पेजेस को फ्रेम्स मिल गए। अब जब एग्जीक्यूशन होगा, जब सीपीयू डिमांड करेगा फ्रेम पेजेस को, तो वो तो क्या करेगा, जैसे कंट्रोल जंप करता है सीपीयू उसी तरीके से जाएगा कि आपने पहले ऐड फंक्शन को कॉल करवाया है तो पहले ऐड फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, फिर आपने मल्टीप्लाई को कॉल करवाया है तो पहले फिर मल्टीप्लाई कॉल एग्जीक्यूट होगा, फिर आएगी रिकर्जन की टर्न। ये तो उसको एक एक पेजेस में मिल जाएंगे, उसने अगर बोला कि मुझे प्रोसेस P1 का फर्स्ट पेज चाहिए तो वो तो उसको मिल गया यहाँ फ्रेम नंबर 1 पे एक साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। फिर इसने कहा कि मुझे अब प्रोसेस P1 का सेकेंड नंबर का पेज चाहिए, यानी कि ये मल्टीप्लाई वाला, तो ये भी उसको एक ही फ्रेम में मिल गया, राइट? लेकिन अब आएगी जब बारी इस फंक्शन की रिकर्जन की, तो आपका लॉजिकली तो ये एक साथ एग्जीक्यूट होना चाहिए पूरा फंक्शन। तो इसके लिए पहले इसने डिमांड किया पेज नंबर 3, ये पेज नंबर 3 है और ये 4 है,
तो पेज नंबर 3 को सर्च करने ये जाएगा तो उसको फ्रेम नंबर 2 में मिलेगा। अब इसको इसी फंक्शन के नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करना पड़ेगा क्योंकि उसको फिर से एक पेज की डिमांड देनी है और वो है पेज नंबर 4, और वो पेज नंबर 4 उसको बिल्कुल सपोज F12 में मिल रहा है। तो एक ही सेगमेंट को, एक ही पार्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए इसको क्या करना पड़ रहा है, अलग अलग पेजेस की डिमांड देनी पड़ रही है, अलग अलग फ्रेम में से डेटा को फेच करके लाना पड़ रहा है, थ्रू पेज मैप टेबल को देख के सब कुछ मैपिंग करके लाना पड़ रहा है। तो ये ड्रॉबैक आता है इन पेजिंग, जहां पर कि आपके कोड को तो देखा ही नहीं जाता, आपकी प्रोसेस को बिल्कुल नहीं देखा जाता कि वो कितनी आपस में रिलेटिव है कितनी नहीं है, बस उसके बराबर पीसेस कर देते हैं। ठीक है, लेकिन होना क्या चाहिए लॉजिकली कि जो सेम टाइप ऑफ कोड है, ऑपरेटिंग सिस्टम को देखना चाहिए कि सेम टाइप ऑफ कोड को एक बंच बनाए और डिफरेंट का एक अलग बंच बनाए। ठीक है, जस्ट लाइक सपोज आप लोग एक पिज्जा लेके आए बिल्कुल जिसके पार्टीशन नहीं हो रखे हैं, ठीक है, कोई पार्टीशन नहीं है सपोज पिज्जा के, या घर पे आपने बनाया। अब क्या कर रहे हो आप लोग कि आपके घर में सपोज 4 मेंबर्स हैं, एक छोटा बच्चा है बिल्कुल 2-3 ईयर्स का, ठीक है, एक आप हैं, एक आपकी मदर है और एक आपकी दादी है सपोज। ठीक है, अब छोटा बच्चा अगर आप उस पिज्जा के बिल्कुल बराबर पार्टीशन करके बांट दोगे सबके बीच में तो क्या होगा, आप तो खा लोगे, सपोज आपकी मदर भी खा लेंगी लेकिन आपकी दादी नहीं खा पाएंगी पूरा। ठीक है, उनकी जब इतनी एपेटाइट नहीं होती है कि वो इतना बड़ा पीस खा ले, क्योंकि आपने बराबर किया है तो बराबर करके आपको एक एक पीस सबको देना पड़ेगा। अब आपने उस छोटे बच्चे को भी उतना ही बड़ा पीस दे दिया, अपनी दादी को भी उतना ही बड़ा पीस दे दिया, खुद भी उतना ही लिया और अपनी मदर को भी उतना ही दिया, तो वो आपका और आपकी मदर का तो कंज्यूम हो गया वो पार्टीशन, लेकिन जो आपने उस छोटे बच्चे को दिया और अपनी दादी को दिया उसमें से कुछ ना कुछ वेस्ट हो जाएगा, बच्चे वाला तो जरूर आधा ना आधा वेस्ट हो जाएगा, जबकि आप उसको खा सकते थे, और क्योंकि आपका कैपेबिलिटी है कि आप उसको और खा सकते थे, लेकिन आपने उसके जस्ट बराबर पार्टीशन कर दिया, आपने सोचा ही नहीं कि मैं किसको कितना दूं, किसके अकॉर्डिंग किसको कितना दूं। ठीक है, आप क्या कर सकते थे कि देख सकते थे कि वो पूरा पिज्जा है तो बच्चा कितना खा सकेगा, उसको उतना ही पीस दे दिया। ठीक है, जिसको जितनी भूख है उनको पूछ करके उनको उतना दे दिया, तो उस केस में क्या होगा, वेस्ट भी नहीं होगा, आपको ज्यादा खाना था तो आपको ज्यादा भी मिल जाएगा, तो वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाएगा उसका। तो पेजिंग में क्या होता है, बराबर पार्टीशन करके बांट देते हैं, नहीं देखते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट क्या है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है सेगमेंटेशन का, इसके अंदर देखा जाता है कि आपकी प्रोसेस की डिमांड क्या है। ठीक है, प्रोसेस की डिमांड के अकॉर्डिंग उसके पार्टीशन किए जाते हैं। तो यहां पर क्या होगा, ये जो आपका ऐड का फंक्शन है इसको बना देंगे सेगमेंट 1, ये जो आपका मल्टीप्लाई का फंक्शन है इसको बना देंगे सेगमेंट 2, रिकर्जन का जो आपका जो पोर्शन है उसको बना देंगे सेगमेंट 3, और इसको बना देंगे सेगमेंट 4। अब यहाँ पर इनको पेजेस नहीं कहते, इनको हम क्या कहते हैं, सेगमेंट्स। और सारे सेगमेंट साइज में इक्वल हो नहीं सकते हैं, पॉसिबल नहीं, क्योंकि छोटे बड़े हैं, तो इनका साइज क्या होता है, वेरी करता है, इनका साइज एक दूसरे से अलग होता है, कोई 5 MB का होगा, कोई 10 का होगा, कोई 7 का होगा, कोई 15 का होगा, सेगमेंट्स हैं तो अलग अलग सबके साइज होते हैं। तो इस वाली प्रोसेस में आपका जो डिवीजन है वो इस तरीके से होता है कि सारे साइज इक्वल नहीं होते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट सारे सेगमेंट्स के साइज होते हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट, क्लियर है सेगमेंटेशन का कि पार्टीशन कैसे होते हैं। तो फिर हम इसकी भी मैपिंग समझ सकते हैं कि अब इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मेमोरी को कैसे डिवाइड करता है, फिजिकल एड्रेस से लॉजिकल एड्रेस से, फिजिकल एड्रेस पे कैसे पहुंचता है, मैपिंग कैसे करता है। बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इसके अंदर पार्टीशन कैसे होते हैं। तो इसके अंदर पार्टीशन आपके अनइवन होते हैं, सबके साइजेस अलग अलग होते हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस रिक्वायरमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम उसके पार्टीशन कर देता है। और साथ ही साथ जैसे इसके पार्टीशन करेगा, आपकी फिर जो मेन मेमोरी रहती है वो अनपार्टीशन रहती है, क्योंकि तो कुछ भी फिक्स नहीं है ना, कुछ भी फिक्स नहीं है, तो मेन मेमोरी को ये क्या करता है, खाली 1 बॉक्स बना के छोड़ देता है कि जो भी सेगमेंट आएगा उसको जितना एरिया रिक्वायर्ड होगा उतना दे देंगे, फिर बाकी दूसरा सेगमेंट आएगा उसको जितना रिक्वायर्ड होगा उतना उसको दे देंगे, क्योंकि अगर फिक्स पार्टीशन करके यहाँ पर फ्रेम बना के रख लिया
तो फिर कोई सेगमेंट आएगा वो फिट हो जाएगा, दूसरा सेगमेंट आएगा वो नहीं हो पाएगा, साइज अलग अलग है ना, यहाँ पर तो फ्रेम बना ही नहीं सकते हैं। तो इस वाले कॉन्सेप्ट के अंदर, सेगमेंटेशन के अंदर, मेन मेमोरी के कोई फिक्स पार्टीशन नहीं होते हैं। यहाँ पर आपकी मेमोरी एज अ होल होती है। अगर कोई 100 बाइट का सेगमेंट आ रहा है तो उसको स्पेस दे दिया, उसके बाद 200 बाइट्स का आ रहा है तो उसको दे दिया, फिर 300 का आ रहा है तो उसको दे दिया, जैसे जैसे आते जा रहे हैं उनको पार्टीशन करके देते जा रहे हैं, राइट। तो ये तो हुआ कैसे प्रोसेस का, कैसे ब्रेक डाउन किया ऑपरेटिंग सिस्टम में, एंड मेन मेमोरी का कैसे किया है। अब जो भी सेगमेंट होगा, सपोज ये सेगमेंट है तो ये आकर के अपना यहाँ आ जाएगा, फिर इसको हम फ्रेम नंबर भी एलोकेट कर देंगे। ऐसा नहीं है फ्रेम नंबर इसमें नहीं होता या मेमोरी एड्रेस इसमें नहीं होता है, एड्रेसिंग इसमें भी प्रॉपर होगी लेकिन साइज फिक्स नहीं होगा इसमें अंदर, ठीक है। अब जब सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा अब जब सीपीयू एग्जीक्यूट इसको करेगा और किसी एक सेगमेंट की डिमांड करेगा, तो कैसे मैप होगा एड्रेस, ठीक है। सपोज ये सीपीयू है हमारा, ये सीपीयू है और ये डिमांड कर रहा है, इसको चाहिए सेगमेंट नंबर सपोज 3, सेगमेंट नंबर 3 के इसको कुछ बाइट्स रीड करनी है, तो सीपीयू डिमांड कर रहा है सेगमेंट नंबर 3 को, ठीक है। सेगमेंट नंबर 3 के जो भी इसको बाइट चाहिए, सपोज 100 बाइट इसको चाहिए, तो इसने इसको बोल दिया अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को कि मुझे सेगमेंट नंबर 3 के 100 बाइट ला करके दो। तो उसने ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या दिया, एक लॉजिकल एड्रेस दिया जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने डिवाइड करके रखा था। तो ये जो है ये है आपका लॉजिकल एड्रेस, सेगमेंट नंबर 3 के 100 बाइट्स, दिस इज लॉजिकल एड्रेस। एक्चुअली वो 100 बाइट कहाँ पर हैं, कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं अभी, वो एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ मेन मेमोरी में कहीं पर, ठीक है। तो वो मेन मेमोरी पर जहां पर भी होंगे, दैट विल बी द फिजिकल एड्रेस ऑफ दैट सेगमेंट नंबर 3 इज 100 बाइट, वो होगा उसका फिजिकल एड्रेस। अब फिजिकल एड्रेस तक कैसा पहुंचा जाए लॉजिकल एड्रेस के थ्रू, तो इसकी मैपिंग कैसे होती है, इसके अंदर यहाँ पर होती है एक सेगमेंट मैप टेबल, वहां पर क्या थी पेजिंग के अंदर पेज मैप टेबल, यहाँ पर होती है सेगमेंट मैप टेबल, यानी कि आपके कौन से वाला सेगमेंट आपकी रैम में कहाँ पर रखा है उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर इस टेबल के अंदर स्टोर्ड रहती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसके समझे समझे अगर हम, तो यहाँ पर फर्स्ट फील्ड है आपका सेगमेंट नंबर, ठीक है। सेगमेंट नंबर 1 2 3 4 एन अप टू एन, जितने भी सेगमेंट उस प्रोसेस के होंगे, तो 1 2 3 एन अप टू एन। नाउ उस सेगमेंट का साइज क्या है वो भी बताना पड़ेगा ना, क्योंकि सेम तो है नहीं साइज। तो सेगमेंट नंबर 1 है आपका 400 बाइट्स का, 2 है 200 बाइट्स का, थर्ड सेगमेंट है 100 बाइट्स का, ठीक है। तो हमको अभी कौन सा चाहिए, देखो ये वाला थर्ड सेगमेंट और इसके 100 बाइट्स। अब पेज मैप टेबल के थ्रू ये देख लेगा कि ये कहाँ पर है मेमोरी में, तो ये मेमोरी में है आपका 800 बाइट का जो लोकेशन होगा वहां से स्टार्ट हो रहा है इसका स्टोरेज। तो ये सीधा चला जाएगा, 800 का मतलब ये सीधा 800 बाइट की जो पोजीशन होगी वहां से ये होगा 800 का स्टार्टिंग पॉइंट। और क्योंकि इसको 100 बाइट रीड करनी है, तो 800 से लेकर के ये 900 तक की बाइट को रीड करके आपके सीपीयू को दे देगा। तो ये हो गई प्रॉपर मैपिंग थ्रू लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस इन सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट आया समझ में, या कोई डाउट है? नाउ पेजिंग एंड सेगमेंटेशन इज ओवर, ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं हमारे पास जो कि हम डिस्कस करेंगे कि एलोकेशन कैसे होता है मेमोरी का रैम पर, ठीक है। न्यूमेरिकल्स तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ उसके कुछ टाइप्स हैं, न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, वो पेजिंग से रिलेटेड होंगे, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स होंगी। बहुत ही इजी है, इतना नहीं है जितना आपके शेड्यूलिंग में था, इजी आएंगे अब न्यूमेरिकल्स इसके अंदर, ठीक है। तो पेजेस कैसे रिप्लेस करते हैं एक दूसरे को उसके बारे में है। बट उससे पहले आपका
मेमोरी के अंदर एलोकेशन कितने टाइप का होता है तो वो पढ़ेंगे हम लोग। सेगमेंटेशन एंड पेजिंग में कोई इश्यू हो, प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम। पेजिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर क्या आता है, पेजेस एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं स्वैपिंग के टाइम पर, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि आपका क्या होता है, यहाँ पर जो रैम है उसमें पूरी की पूरी प्रोसेस एक साथ आकर के लोड नहीं होती है, बल्कि उस प्रोसेस के कुछ पेजेस आके लोड होते हैं। सपोज ये अपनी रैम है, अब इसके अंदर इस तरीके से आपके अलग अलग फ्रेम्स हैं, ठीक है। ये फ्रेम्स हैं, एम्प्टी फ्रेम्स है बिल्कुल, और इसके अंदर लेट सपोज एक प्रोसेस है P1, उस प्रोसेस के जो पेजेस हमें एग्जीक्यूशन के लिए चाहिए वो पेजेस हैं सपोज हमारे 1, 2, 3, 4, 5, और रिपीट भी हो सकते हैं ये पेजेस, ठीक है। सपोज एक पेज आके चला गया लेकिन फिर उसकी दोबारा रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो ऐसा नहीं है एक पेज एक बार आ गया तो दोबारा नहीं आ सकता, उसकी रिक्वायरमेंट फर्दर कभी भी हो सकती है। तो लेट सपोज ये अपने प्रोसेस है जिसके 6 पेजेस हैं जो हमें इस सीक्वेंस में चाहिए फॉर एग्जीक्यूशन इन मेमोरी, ओके। समझ में आई बात, एक प्रोसेस है P1 जिसके टोटल पेजेस कितने हैं 6, और वो 6 पेजेस हमको एग्जीक्यूशन के लिए किस सीक्वेंस में चाहिए, पहले फर्स्ट पेज चाहिए, फिर सेकंड चाहिए, फिर थर्ड चाहिए, फिर फोर्थ चाहिए, फिर फिफ्थ चाहिए, फिर 2 अगेन चाहिए, फिर 1 चाहिए, फिर 6 चाहिए। इस तरीके से हमको ये पेजेस फॉर एग्जीक्यूशन, कंप्लीट एग्जीक्यूशन के लिए रिक्वायर्ड है, क्लियर। अब आपके ये तो है प्रोसेस की पार्टिशनिंग और उसका जो रिक्वायर्ड सीक्वेंस है वो। अब सपोज आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जो अपना मैनेजर है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसने बोला कि किसी भी प्रोसेस को मैं 3 फ्रेम से ज्यादा एक बार में नहीं दूंगा, ठीक है। 3 फ्रेम से ज्यादा मैं मेन मेमोरी में नहीं दूंगा, मतलब ये 3 फ्रेम इसने इस प्रोसेस P1 को दे दिए एक बार के लिए, ये 3 फ्रेम इसने दूसरी प्रोसेस के लिए रखे हैं और ये बाकी के इसने अलग प्रोसेसेस के लिए रखे हैं, ठीक है। अब इसने कहा प्रोसेस P1 को अगर एग्जीक्यूट होना है तो इन तीनों फ्रेम की हेल्प से अपना काम चलाना पड़ेगा। तो प्रोसेस P1 क्या करेगी, अपने 3 फ्रेम्स जो उसको स्टार्टिंग में चाहिए उनको क्या करेगी, इन तीनों में ले आएगी सबसे पहले तो 1, 2 और 3 को, हमको इसी सीक्वेंस में चाहिए ना पेजेस, तो इसी सीक्वेंस में आएंगे मेमोरी के अंदर। अब इन सबको तो रख नहीं सकती यहाँ पर क्योंकि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने बोल दिया कि भाई इससे ज्यादा फ्रेम्स वो नहीं देगा प्रोसेस P1 को। तो प्रोसेस P1 क्या करेगी, इन तीनों फ्रेम को फुल कर देगी एक बार में, तो फिर जो पेजेस एग्जीक्यूट हो जाएंगे उन पेजेस को यहाँ से एक एक करके हटा देगी। जैसे कि सपोज जो फर्स्ट पेज आया था उसका सबसे पहले एग्जीक्यूशन हो गया, तो ये क्या करेगी प्रोसेस आपकी, ये क्या करेगी, इस फर्स्ट पेज को स्वैप आउट कर देगी, यानी कि यहाँ पर खाली जगह बना लेगी, और अब कौन से वाले पेज का नंबर है आने के लिए, फोर्थ पेज का नंबर है, तो इसकी जगह पे स्वैपिंग कर देगी किसको, फोर्थ पेज को, ठीक है। देन ये सेकेंड वाला पेज एग्जीक्यूट हो गया सपोज, तो इसको स्वैप आउट कर देगी और इसकी जगह पे कौन से वाले पेज को ले आएगी, फिफ्थ पेज को। उसके बाद थर्ड वाला पेज एग्जीक्यूट हो गया, इसको स्वैप आउट कर दिया और इसकी जगह पे आपका सेकेंड पेज ले आई, ओके। तो ये क्या है, स्वैप इन एंड स्वैप आउट, पेज रिप्लेसमेंट हो रहा है, पेजेस रिप्लेस हो रहे हैं, पहले कोई पेज था उसकी जगह पर कोई दूसरा पेज आके। तो इसी के बारे में ये पूरी एल्गोरिथम है जो कि हम अब नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट इसके टाइप डिस्कस कर लेते हैं कि कितने टाइप के एल्गोरिथम से अपने पास, इसके न्यूमेरिकल बिल्कुल सिंपल चलते हैं, बस आपको स्टार्टिंग से ध्यान से देखना पड़ेगा एक बार और बहुत ही ईजी लगेगा फिर आपको ये चीजें। सो दिस इज पेज रिप्लेसमेंट, और इससे रिलेटेड जो अपने पास एल्गोरिथम्स आती हैं वो मैं आप लोगों को शो कर देती हूँ। तो यहाँ पर आ जाओ नेक्स्ट।
पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम अपने पास यहाँ पर थ्री टाइप्स की हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एंड लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यानी कि फीफो, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट ओपीआर और एलआरयू, ये भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, इसमें भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। और क्योंकि ये मैंने बताया ही है कॉन्सेप्ट, आप समझ जाओगे तो बिल्कुल भी टफ नहीं है। शेड्यूलिंग में जो आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे उससे 50% इनकी कॉम्प्लेक्सिटी आप ये मान सकते हो, तो इतना इजी है इससे। इनको अच्छे से समझ जाओ तो अच्छे से आप स्कोर भी कर पाओगे इसके अंदर, और इंटरेस्टिंग भी रहेगा ये। तो अगली क्लास से अपने नोट्स पेन वगैरह लेके बैठना, जो भी क्वेश्चन मैं दूंगी उस पर साथ साथ आप भी सॉल्व करते हुए चलना इसे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिए। कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड टू दिस क्लास और लास्ट क्लासेस यू कैन आस्क।